हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कोच मेक्स योर ड्रीम टू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे स्टडी कोच परिवार के अंदर में। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम जो जो भी स्टूडेंट्स दे रहे होंगे, उन लोगों को पता है कि ये जो चीज़ है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है। आज के वीडियो के अंदर में, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, उसके अंदर में हमने लिखा है कि आज हम लोग गुरुओं के बारे में जानेंगे, सिख गुरु के बारे में जानेंगे कि कितने गुरु थे और कौन कौन जो थे गुरु थे और कितने नंबर के गुरु थे, ठीक है, कि मतलब कि छठे गुरु कौन थे, सातवें गुरु कौन थे, पहले गुरु कौन थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा दसों गुरु जो हमारे हुए थे सिख धर्म के अंदर में, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें गाइस, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके बस लाइक से ही, ठीक है। तो गाइस प्लीज़, थोड़ा सा आपके लाइक करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो लाइक जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो। अगर नहीं अच्छा लगे तो ऑब्वियस बात है, आप आराम से जो है आपकी मर्जी है, आप डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए गाइस, ये हैं आपके पहले से लेकर टोटल 10 गुरु, ठीक है। 10 गुरु के बारे में हम लोग जानेंगे और कौन कौन से थे वो सभी कुछ हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं गाइस, कि सबसे पहले जो सिख धर्म का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, जो फाउंडर थे कह सकते हो, वो थे हमारे गुरु नानक जी, ठीक है। और वो करीबन जो है उनका उसका जो 1469 के अप्रॉक्सीमेटली के टाइम जो है, इन्होंने गुरु ये जो गुरु नानक जी देव जी जो थे, इन्होंने सिख धर्म का जो है फाउंडेशन किया था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट किया था उसका। तो आपको याद रखना कि सबसे पहला गुरु कौन थे, तो सिख गुरु को जो थे हमारे सिख धर्म के सबसे पहले गुरु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइज, कि इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की याद भी रखना होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, आप लोगों को उस सारी चीज़ों को नोट बना लेना हल्का सा, ठीक है। और इससे ज़्यादा कुछ पूछता भी नहीं है, बस यही सब पूछता है कि पहले गुरु कौन थे, दूसरे गुरु कौन थे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इसके साथ साथ बताता जाऊँगा, जैसे कि खालसा जो पंथ था उसकी जो स्थापना किसने की थी उसको, या फिर उसको क्रिएट किसने किया था। फिर उसके बाद जैसे कि गोल्डन टेम्पल जो है उसको अमृतसर के अंदर में है ना, तो उसको किसने बनाया था, ठीक है। फिर अमृतसर जो हमारा है शहर, तो उसको किसने फाउंड किया था या क्रिएट किया था, ठीक है। गुरुमुखी जो है ग्रंथ है एक तरह से, फिर बुक है, उसको किसने लिखा था, ये सारा कुछ जो हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप आराम से सुनो, मैं आपको सारा कुछ जो है जैसे जैसे आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊँगा। देखिए, सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी को याद रखिएगा, पहले गुरु थे, ठीक है। दूसरा गुरु कौन थे, तो दूसरे गुरु थे हमारे अंगद देव जी। कौन थे? अंगद देव जी। और इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि जो अभी मैंने आपको बताया ना, गुरुमुखी जो एक बुक थी वो किसने लिखी थी, तो यही गुरु जो थे अंगद देव जी, इन्होंने ही बुक लिखी थी। तो पहला आपको याद रखना है गुरु नानक जी, उसके बाद याद रखना है कि आपका अंगद देव जी, ठीक है। गुरु नानक, फिर अंगद, ठीक है। तो इस तरह से याद, गुरु नानक, फिर दूसरा अंगद, तीसरा है अमरदास जी, ठीक है। तीसरा याद रखिएगा अमरदास जी जो थे, कि ये देखो, ये गाइज मैं तीन चार नाम आपको जो मैं बता रहा हूँ शुरू के, देखो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, पहला दूसरा जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछता है एग्ज़ाम में, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, और चौथा और पांचवा और छठा, एक से लेकर छः तक जो है, ये एक से लेकर छः जो है गुरुओं के नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बार बार मैंने देखा है एग्ज़ाम के अंदर में डायरेक्ट पूछता है कि तीसरे गुरु कौन थे सिख धर्म के, या छठे गुरु कौन थे सिख धर्म के, क्योंकि ये बहुत फेमस गुरु थे, ठीक है। तो आपको इन सारे को याद रखना है। तो पहला मैंने आपको याद करवा दिया, पहला गुरु नानक देव जी जो, क्योंकि इन्होंने ही फाउंड किया था। दूसरा मैंने आपको बताया कि अंगद देव जी, तीसरा मैंने आपको बताया कि अमरदास जी, ठीक है, कौन? अमरदास जी। अब आके देख सकते हैं आप, चौथा आपके जो गुरु थे वो थे आपके गुरु रामदास जी। इनके बारे में इम्पॉर्टेंट बात ये है गाइज, कि इन्होंने ही अमृतसर शहर, या कह लो या फिर जो गोल्डन टेम्पल है उसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट की थी। कौन? तो गुरु रामदास जी। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ देता है कि किसने अमृतसर शहर की, या फिर
आपको पूछा जाए गोल्डन टेम्पल की जो है स्वर्ण मंदिर जो है किसने जो है अमृतसर के अमृतसर के अंदर में बनवाया, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, गुरु रामदास जी। ठीक है, तो पहला गुरु नानक जी, दूसरा अंगद जी, तीसरा अमरदास जी और तीसरा रामदास जी। अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला है हमारे अर्जुन देव जी। पाँचवा गुरु कौन थे? अर्जुन देव। और छठा गुरु कौन थे? गोविंद जी। याद रखिएगा कि गोविंद जी जो है आप इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा कि गोविंद ये 6 नंबर के, ठीक है, गोविंद जो थे वो 6-6 करके रिलेट कर लेना कि गोविंद जो है उसका रोल नंबर 6 था, या फिर गोविंद जो है उसके गाड़ी का नंबर जो है उसके लास्ट में 6, ऐसे करके कुछ भी दिमाग में ट्रिक लगाओ, या 6 तारीख उसका बर्थ डेट था, ऐसे याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैंने आपको बताया गुरु नानक देव जी, दूसरा बताया अंगद देव जी, फिर तीसरा मैंने आपको बताया गुरु अमरदास जी, चौथा बताया रामदास जी, फिर पांचवा आपको अर्जन देव जी, और छठा आपका हरगोविंद देव जी। ठीक है, ये आप याद रख ले। उसके बाद फिर सातवां आठवां, ठीक है, आठवां इंपॉर्टेंट नहीं है, नौवां और दसवां बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे लास्ट है और सेकेंड लास्ट है, इसलिए देखिए नौवां जो है आपका तेग बहादुर जी जो है ये गुरु थे, और दसवां जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये गुरु थे। और गुरु गोविंद सिंह जी जो है थे इन्होंने ही खालसा पंथ की जो है स्थापना की थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, और नौवां मैंने आपको बताया तेग बहादुर जी। ठीक है, तो गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। पहला जो थे कौन थे? तो पहला थे गुरु नानक देव जी, दूसरा जो थे कौन थे? अंगद, गुरु नानक जी के बाद अंगद। फिर तीसरा जो थे वो कौन थे? अमरदास जी। ठीक है, फिर तीसरा जो है रामदास जी, अमरदास फिर रामदास, ऐसे करके रिलेट करो, अमरदास जी फिर रामदास जी। पाँचवा जो है और छठा, छठा तो मैंने बोला कि गोविंद का जो है छठा रोल नंबर, या फिर छठा कुछ भी याद रख लो। और पांचवा जो है आपका अर्जन देव जी, पांचवा है अर्जन देव जी। ठीक है, फिर आपका सातवां नंबर जो है और आठवां नंबर आपको याद नहीं करना, नौवां और दसवां याद करना है। नौवां जो है आपका तेग बहादुर जी और दसवां आपका गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आई होप सो गाइस कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये आप स्क्रीन शॉट ले लो इसका, और आई होप सो कि आपको 1 से लेकर 6 तक और लास्ट जो तेग बहादुर जी और आपका गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कुछ कुछ नाम है जो कि आपको दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको मैं हल्का सा ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि देखो यहाँ पर आप देख लो, नर से याद रख सकते हो, NAAR, ठीक है, याद रख लेना, नर से हो जाएगा आपका, एन से हो जाएगा गुरु नानक जी, ए से होगा अंगद, ए से होगा अमरदास जी, और आर जो है रामदास जी। इस तरह से आपको याद, लास्ट में फिर आपका पाँचवा, छठा तो आपको मैंने बता दिया, और पाँचवा अर्जुन देव जी, इस तरह से। ठीक है, फिर से मैं बता दूँ, नर, ठीक है, एन से गुरु नानक जी, ए से अंगद जी, फिर अमरदास जी, उसके बाद फिर आपका रामदास जी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइज आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इसलिए गाइज अगर आप RRB, NTPC या फिर CHSL वगैरह किसी का भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए बस इतना ही इनफ है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। कुछ और भी आने वाले दिनों के अंदर में मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर लें। ठीक है, जय हिंद, मिलता हूं मैं आपको हमारे अगले वीडियोस में।